हेलो फ्रेंड्स, अब्रॉड में आने का ख्वाब वो ख्वाब है जो एक लड़का या एक लड़की ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर देखते हैं, और ख्वाब भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनको देखने की हिम्मत रखते हैं। मैंने भी एक ख्वाब इसी तरह का देखा था तकरीबन आज से 10 से 11 साल पहले, और मैं आज आपसे उसी ख्वाब की स्टोरी शेयर करूँगा। जिस ख्वाब का ज़िक्र मैं आपसे आज करने वाला हूँ वो था ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान, जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन है, स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन जो हायर क्वालिफिकेशन है ये लेने के बाद आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं आपकी एजुकेशन के बाद जो है वो उसके दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, और आपके जो है करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए और आपकी बेसिकली एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन समझी जाती है। मेरी ये कहानी आप सबके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी, क्योंकि आप इससे गाइडेंस ले सकते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कैसे आया। अपनी हायर एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में चूज़ करने का एक बहुत ही एक एक्साइटिंग स्टेप था। इस स्टेप को फाइनलाइज करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कि मुझे लेनी थी, और वो थी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। आजकल ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 कहा जाता है, और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप अपने वीज़ा चांसेस को बढ़ाने के लिए करेंगे, जो स्टेप्स लेने से आपके वीज़ा चांसेस इंक्रीज़ होंगे, वो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। मेरा नाम है खुरम, और आप कम टू ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ दूसरी एपिसोड स्टेप्स टू गेट ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा आपको अलाउ करता है कि आपके वीज़े के ड्यूरेशन जो कि मैक्सिमम 5 साल का होता है, उसमें आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए क्या क्या कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं बेसिकली 5 साल के लिए, आप ऑस्ट्रेलिया में फुल टाइम स्टडी कर सकते हैं, और आप साथ साथ तकरीबन 40 घंटे फोर्टनाइट, जो कि हर 14 दिन में आप 40 घंटे टर्म चल रहा होगा, जब आपकी स्टडी चल रही होगी, आप बेसिकली 40 घंटे पर फोर्टनाइट काम भी कर सकते हैं। करेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को ये आज़ादी दी हुई है, या ये छूट दे रखी है कि वो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम अनलिमिटेड वर्क राइट्स रख सकते हैं। इवन वो अपने टर्म पीरियड में या अपने सेमेस्टर ब्रेक के अंदर भी आपको बेसिकली वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपने जो है वो काम अनलिमिटेड कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं, और जब आपकी टर्म ब्रेक ख़त्म हो जाए तो आप अनलिमिटेड ऑस्ट्रेलिया में आपके पास वर्किंग राइट्स होते हैं कि आप अपने जो है वो अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, और जितना दिल करे आप बेसिकली काम भी कर सकते हैं। कोविड के बाद बहुत ही जो है वो लीनियंसी है स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए, कि आपके पास अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स हैं, आप अपने जो है वो बेसिकली एक्सपेंसेस इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, अगर यू नो यू आर फेसिंग सम हार्डशिप्स। तो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव। एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स, हर कोर्स या डिग्री की जो है वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद कौन सी ऐसी स्टडी करनी है जो आप रियली आप चाहते हैं कि आप उस फील्ड में एक्सेल करें, या आप कल को आप उस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं। आई रेकमेंड कि आप गूगल पे ये सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वो कोर्सेज ऑफर करती हैं, जो कि आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं या आप जिसमें इंटरेस्ट लेके जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जब आप ऐसी जगह पे आते हैं जो आपका होम कंट्री नहीं है, आपको अगर दिल लगा के आप जो है वो एक कोर्स करेंगे नहीं तो वो नॉट गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, जो कि आपको आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में मदद करे। मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि जिन्होंने मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आईटी की है, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है, और आज वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी लेने के बाद वो ऊबर चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, क्योंकि वो
उन्होंने बेसिकली अपनी डिग्री तो फिनिश कर ली लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं किया उस डिग्री से और अपनी फील्ड में जॉब करके नहीं देखा, तो वो बेसिकली दे आर स्टक एट वन प्लेस ड्राइविंग ऊबर या टैक्सी। ये मेरी एज अ ब्रदरली एडवाइस समझ लें कि आपने उसी कोर्स में एडमिशन लेना है जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन से रेलिवेंट हो, जो कि उसके आगे फील्ड बनती हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको स्टूडेंट वीज़ा लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और इससे आपके वीज़ा चांसेस इंक्रीज़ करेंगे। जनरली आपको ऑलमोस्ट हर कोर्स में इनरोल होने के लिए एविडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो चाहिए होती है। एविडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है? बेसिकली आयल्स का नाम आपने सुना होगा, आपने पीटीई का नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर स्टूडेंट्स आयल्स या अब पीटीई का जो है वो सहारा लेते हैं यहाँ पे आने के लिए और अपनी इंग्लिश कॉम्पिटेंसी को प्रूव करने के लिए। आपको इसमें 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 6 ईच हर मॉड्यूल में स्कोर करने पड़ते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 5.5 पे भी आपको एडमिशन दे देती हैं, लेकिन अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश जो है वो 6 ईच हो, आपको ईजिली एडमिशन मिलेगा और ये आपके वीज़ा चांसेस को भी इंक्रीज़ करेगा। आप कोशिश ये करें कि आपका स्टडी गैप ना हो। इसका ये मतलब है कि आपको स्टडी छोड़े हुए 3 मंथ्स या इससे ज़्यादा का टाइम ना हुआ हो। आप बेसिकली फिर आपको डिपार्टमेंट को ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप उस टाइम ड्यूरेशन में क्या करते रहे, या आप जॉब कर रहे थे आपको जॉब एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, या आप अगर किसी और छोटे मोटे कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया हुआ था आप वो करेंगे कि आपने वो आपको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्यों ज़रूरी थे बेसिकली, तो आपको अपना स्टडी गैप कवर करना है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपके सब एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अगर वो हिंदी ज़बान में हैं या उर्दू जो है वो लैंग्वेज के अंदर हैं या किसी नेपालीज लैंग्वेज के अंदर, किसी बांग्लादेशी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, आपको उस सारे डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश ट्रांसलेट करवा के उसको नोटरी से अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपने सब डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले जिक्र किए अपनी इस वीडियो के अंदर, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन फॉर्म के साथ बेसिकली यूनिवर्सिटी को सबमिट किया जाता है, और यूनिवर्सिटी में जब आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं इंक्लूडिंग एडमिशन फॉर्म, तो आपको यूनिवर्सिटी एक ऑफर लेटर इशू करती है। इसका ये मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी आपको उस रेलिवेंट कोर्स के अंदर एडमिशन देना चाहती है। ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाते हैं। याद रखें कि वीज़ा ग्रांट ना होने पर ये फ़ीस फुली रिफंडेबल हो जाती है। नॉर्मली मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अपना ऑफ़र लेटर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही गौर से पढ़ें, क्योंकि उस पर आपकी कोर्स डिटेल्स रिटर्न होती हैं, उस पर लिखी होती हैं आपकी इनरोलमेंट कंडीशंस और फ़ी लिखी होती है। यूनी की फ़ी अदा करने और ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको CEO इशू करती है, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट ये वेरीफाई करता है कि आपकी उस यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो एडमिशन उस कोर्स के अंदर मिल चुका है, और आप बेसिकली अपनी स्टडी कमेंस या स्टार्ट कब से कर सकते हैं उस पर आपकी जो है वो कमेंसमेंट डेट भी लिखी होती है। अब बारी है वीज़ा अप्लाई करने की। ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे जाके इमी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। इमी अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप खुद वीज़ा बेसिकली लॉन्च कर सकते हैं, सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा, या फिर आप किसी वीज़ा कंसल्टेंट, जो स्टूडेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट होते हैं, अपने आप अराउंड देखें फेमस कंसल्टेंट कौन सा है जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, जो आपका जो है वो केस अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके इमिग्रेशन के अंदर, तो आप बेसिकली उनकी भी हेल्प ले सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। आप जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ, आप अपना वीज़ा खुद भी बेसिकली लॉन्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा लॉन्च करने के लिए चाहिए वो ये हैं: पासपोर्ट जो कि अटेस्टेड होना चाहिए, CNIC राशन आधार कार्ड, ऑल प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशंस जो कि आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन जो आपने पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने से पहले आपने जो है वो सब सॉर्ट आउट कर चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए आपके पास इतने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होने चाहिए कि आप बेसिकली यहाँ पे ये शो करा सकें कि आप यहाँ पे जो स्टडी है और जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आप इजीली अफोर्ड कर सकें, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट,
बाय योर पेरेंट्स या कोई गार्डियन बेसिकली। तो ये प्रूफ देना होता है कि फैमिली की, आपके स्पॉन्सर की जो है वो जो आपको स्पॉन्सर करें, इधर वो कैन दैट कैन बी योर पेरेंट्स। अगर आप एम्प्लॉयमेंट करें, आप ये शो करा सकते हैं कि आपको कंपनी ने जो है वो यहाँ पे अगर आपको भेजा है हायर एजुकेशन के लिए ताकि आप वापस जाके अच्छा रोल प्ले कर सकें अपनी कंपनी के लिए, तो वो कंपनीज भी आपको बेसिकली बाहर एजुकेशन के लिए भेजती हैं। तो आप उस सिनेरियो में भी आपकी वो कंपनी आपकी स्पॉन्सर बनेगी, तो उनको जो है वो आपका ये शो कराना पड़ता है आपको कि फाइनेंस आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर अराउंड 60 to 65,000 dollars पर ईयर से ज़्यादा हो इनकम उनकी, अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। कंटिन्यू टेम्प्रेरी एंट्री रिक्वायरमेंट, बेसिकली ये वो स्टेटमेंट है ऑफ पर्पस है जिसको जिसमें आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को या डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर को ये तसल्ली देते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया आने का जो रीज़न है वो यहाँ पे रह के, मतलब यहाँ पे ही नहीं रह जाना, बेसिकली आपने अपने होम कंट्री में वापस जाना है, कि आप यहाँ पे एज अ टेम्प्रेरी एंट्रेंट है। आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये ऐड करना है बेसिकली कि आप ऑस्ट्रेलिया में टेम्प्रेरी ही रहेंगे और आने के बाद, वीज़ा ख़त्म होने के बाद बेसिकली आप ओवरस्टे अपने वीज़े को नहीं करेंगे, आप बेसिकली इल्लीगल यहाँ पे नहीं रहेंगे और आप किसी वीज़े के बगैर ऑस्ट्रेलिया में आप नहीं रहेंगे। ये आप बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है उनको आप ये सेटिस्फाई करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखते हैं, और आपने उस स्टेटमेंट में ये क्लियरली बोल्ड करके लेटर में लिखना है कि when you will finish your studies you will go home you know in your home country and you know serve your nation or serve your country basically ye batana hai ki aapke country ke sath aapke kitne zyada close ties hain aur goals pure karne ke baad aap apne home country mein wapas jayenge। आपको ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर चाहिए होगी। ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि बाहर की कंट्री से ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइग्रेट करते हैं स्टडी पर्पस के लिए, ये उनके लिए एक लाजमी कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है, और ये नॉर्मली जितना आपका वीज़ा होता है उसकी ड्यूरेशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की ड्यूरेशन भी उतनी ही होती है। डिफरेंट कंपनीज जो है वो हेल्थ इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करती हैं, सच एज़ बूपा, NIB, Allianz वगैरह, और इन सब के डिफरेंट जो है वो बेसिकली प्राइजेज हैं। बेसिकली आपको एक हेल्थ कवर जो है वो परचेज करनी है और प्रूफ ऑफ हेल्थ कवर देना है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर को। ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर आपको हेल्प करती है आप जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं, आपके मेडिकल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़े पर मौजूद हैं, और आपकी सब दवा की, मेडिकेशंस की, आप जब भी आप फार्मेसी जाएं आप मेडिकेशन परचेज करें उसकी स्लिप जो है वो आप उनकी एप्लीकेशन पर जाके या उनके पोर्टल पर जाके ऑनलाइन अपने अकाउंट के थ्रू आप वो क्लेम कर सकते हैं, पैसे वो सारे पैसे आपको बेसिकली वापस आ जाते हैं जो इनका मेडिकल रिबेट देता है। बेसिक सिचुएशन में आपको एम्बुलेंस की नीड हो तो बेसिकली आपकी हेल्थ इंश्योरेंस उसको कवर करती है, नहीं तो आपको $600 की फक्की लगेगी। आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या करेक्टर चेक चाहिए होता है अपने होम कंट्री का। वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। वीज़ा लॉन्च करने की ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की जो फीस है वो आज की डेट में, जो कि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेट है 22 जनवरी 2023, 22 जनवरी 2023, आज की डेट में वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च करने की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो $650 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर आपको मेडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और साथ ही आपको बायोमेट्रिक्स के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जो उनकी रिक्वेस्ट में लेटर में ही मौजूद होती है। बेसिकली अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पे जाते हैं, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं जिसमें चेस्ट एक्सरे, आपका यूरिन का भी टेस्ट लिया जाता है कि आपको कोई ट्यूबरकुलोसिस, TB वगैरह की उस तरह की बीमारी तो नहीं है, आपका चेस्ट एक्सरे लिया जाता है, और आपका बायोमेट्रिक स्कैन होंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। जहाँ फ्रेंड्स, आजकल वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो स्टूडेंट वीज़े के लिए है, स्पेशली कोविड लॉकडाउन के बाद, प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत फास्ट हो चुका है अब, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बंदे यहाँ पे चाहिए जो कि पिछले 2 सालों में नहीं आ पाए। आजकल जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम
महीने से लेके 3 महीने तक है रफली। मेरी यही प्रेयर है, मेरी यही दुआ रहेगी आप सबके लिए कि आप सबके ख्वाब पूरे हों। आप को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने भाई के इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो सारी आप तक ऑन टाइम पहुंच सके। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के आगे जो सीरीज़ है उसको भी हम कंटिन्यू कर सकें ताकि मैं आपको आगे पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी भी बता सकूं, बेसिकली कि वो कौन से ऐसे पाथवेज हैं जो कि आपको लीड करेंगे स्टूडेंट वीज़ा से परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ और इवेंचुअली गेटिंग एन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। सी यू इन द 3rd एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल।